चाहा था जैसे वैसे हुआ ना, टूटे ना कैसे ये मन, उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं, काहे मुझसे को That was a good run, bhai. Hai na? Good run. Mama, kahan chale gaye? Hey, farig aadmi, utho, utho. Aise nahi uthega. Farig aadmi. उठो उठो फारिग आदमी, उठो आते हैं, उठो नहीं मामा, नहीं मामा उठे हैं आप, लड़की उठ उठ उठ, नहीं आगा ब्रॉक लेसनर, इसको उठा के भागना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं जाएगी, नहीं यस कन्याकुमारी तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, ब्रॉक लेसनर मारना बनता है। हाँ जी क्या है, क्या है बात ये कि हमारा भाई, हमारा ये छोटा भाई सुबह 7 बजे इसके मुंह पर 12 बजे और खाने पर टूट पड़े, मुझे तो लग रहा है सारा राशन खत्म कर देगा। मामा को आने दो, शिकायत लगाऊंगा कि टॉर्चर किया मुझे इतना, सुबह सुबह रनिंग पे ले गए, एक्सरसाइज कराने ले गए, कोई तरीका होता है? हाँ आज माशाल्लाह से मामा बाबा आ तो रहे हैं उम्रा करके, फिर तुम अपने जितने गिले शिकवे करने हुए ना कर लेना। वैसे उमर फजर की नमाज के लिए कौन नहीं उठता था? उसामा। हाँ और वो जो बाबा ने बचपन से हमें एक रूटीन डाली है मॉर्निंग एक्सरसाइज की, उसके लिए कौन काम चोरी करता था? उसामा। और उसके अलावा वाली हरकतें बताओ भाई। ये जूस पियो ना तुम, रिश्वत जूस पियो, जूस पी लो, चुप रहो। अच्छा बस कर दो दोनों, अब नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा वैसे भाई मामा बाबा किस वक्त रहे यार? आई थिंक 2-3 घंटे तक हम निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, तो नाश्ता करके फ्रेश होके चलते हैं, ठीक है? सुने उनका रूम साफ हो गया? ये तो शुमाइला बताएगी, मैं बात करता हूं। नेहा जी। अम्मी बेटा मैंने नाश्ता तैयार कर लिया, आओ जल्दी से नाश्ता कर। नहीं अम्मी मैं ना वहीं जाके नाश्ता कर लूंगी, रमशा की सुबह से कॉल्स आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो बस हमने इतने इंतजाम करने हैं ना अभी। उसी की वजह से तो मेरा मैका आज तक आ रहा है। खैर ये बताओ तैयारियां कहाँ तक पहुँची तुम लोग? ऑलमोस्ट, बस अल्लाह करे उन्हें सब कुछ अच्छा लगे, हमने बहुत दिल से सब कुछ प्लान किया है, बस आप लोग टाइम पे आ जाएगा, हम सब मिलकर उन्हें इस्तकबाल करेंगे। हाँ हाँ टाइम पे आ जाऊंगी। और सुनो पसंद क्यों नहीं आएगा भाई? मेरी गुड़िया ने की है सारी तैयारियां, तो पसंद तो आएगा, मुझे पता है सब परफेक्ट है। अल्लाह करे। भाई शुक्र है आज मामा बाबा वापस आ रहे हैं, उनके बगैर तो ये बिल्कुल अधूरा लगता है सब कुछ, खाना पीना नाश्ता। बिल्कुल उनके बिना नाश्ते की टेबल भी इतनी इनकम्प्लीट है, जरा मजा नहीं आ रहा। आई एग्री भाई, अलार्म क्लॉक की आवाज से उठने में क्या मजा? मामा कमरे में आती हैं, डांटती हैं, फिर उठाती हैं, उसमें आता है ना मजा। कितने झूठे हो तुम वैसे। बाय द वे मैं सबको ये याद करा दूं कि मामा की डांट से ज्यादा तुम बाबा की मार से उठते रहे।
बाबा ने आज तक मुझे नहीं मारा, ठीक है ना? और ये खुद से बातें मत बनाया करो, अब बच्चे नहीं हो कि तुम्हारे झूठ जो है हर कोई हंस लेगा उस पे, हर कोई मान लेगा, ठीक है? बड़े हो गए, खुद से बातें बना रहा हूँ। रामशाह, रामशाह ये कहाँ है? ये इसको टाइट करने की जरूरत है, ये नाचते आ रही हूँ, आ रही हूँ। यार क्या हो गया इसको, आ जाओ। पता नहीं कहाँ रह गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पता नहीं ये नेहा कहाँ रह गई है, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, ना कॉल्स का आंसर कर रही है, अतः पता ही नहीं है कोई मैडम का। अब उमर भाई, क्या आपकी नेहा से कोई बात हुई है? नेहा से? नहीं नहीं, मेरी नेहा से कैसे बात हो सकती, मेरी तो नेहा से बात होती ही नहीं। अच्छा। यूं ही अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाय मॉर्निंग। ना तो मेरी नेहा से बात होती है, ना ही मेरी उससे सलाम दुआ होती है, और गुड मॉर्निंग तो कहा थी, घर से निकलते हुए देर हो गई ना, सॉरी भाई। रमशाब उससे वहीं खड़े रहने दोगी या बैठने भी दोगी? नेहा आओ नाश्ता करो हमारे साथ। चलो माफ किया, बैठो। मेरे बगैर नाश्ता शुरू कर दिया सबने। नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ चाय पी रहा था। अच्छा, क्रोसॉन तो पता नहीं किसने रखा हुआ है प्लेट में, मुझे एक प्लेट मिल सकती है प्लीज? हाँ इजी, मैं दे रहा हूँ, ले लीजिए। थैंक यू। भाभी जाम हो जाएगा प्लीज। ये आज गला कुछ ज्यादा खराब नहीं हो रहा तुम्हारा? मुझे लगता है कि आज इसको वो इंजेक्शन वाले डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। याद है बचपन में जब इंजेक्शन लगते थे कितना चीखता था? उन्हीं के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगेगा मजा आएगा। मुझे नीडल से फोबिया है तो मजाक उड़ाने की नहीं हो रही। गला साहब कर ले फिर आप। को उठा है घर में या सारे ही सोए हुए हैं? और को है जो बुड्ढे को चाय दे दे? आ रही हूँ महमूद, आपके लिए चाय ही बना रही हूँ मैं। दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने यार। देखो यार कोई वक्त होता है उठने का। चाय हो गई सुबह तुम्हारी, उठ गई हो? महमूद मैं तो सुबह सवेरे उठ जाती हूँ फजर के वक्त नमाज पढ़ के फिर इधर। अच्छा बस कर दो तुम, इतनी हज्जन बीबी बनने की कोशिश ना किया करो मेरे साथ। एक तुम नेक पाक, एक तुम्हारे भाई साहब, बस बाकी सारा जमाना तो पता नहीं क्या गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ है। पता नहीं तुम दोनों हमें नमाजें जतवाते रहते हो क्यों, क्या मतलब हमसे लेना क्या है? अब तो माशाल्लाह उमरा करके आ रहे हैं तुम्हारे भाईजान, तो अब तो हमारा बिल्कुल जहन्नुम का टिकट ही कटवाएंगे। नहीं नहीं भाईजान ऐसे तो नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं ऐसे कहाँ है, तुम्हारे भाई साहब बहुत बहुत अजीम, आ कब रहे हैं वैसे? आज आज माशाल्लाह उम्रा अदा करके आ रहे हैं, घर पे दावत का इंतजाम भी है। महमूद मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम पहले से चले जाएंगे एक दो घंटे पहले। जाहिर है जी, बिल्कुल बिल्कुल उम्रा करके आ रहे हैं, दिखावा करने से बाज नहीं आएंगे। मैं तो नहीं जाने वाला भी उनके घर, मुझे क्या जरूरत पड़ी जाके वहां पे उनकी उनका ढोल बजाऊं मैं? अब मैं क्यों जाऊं भाई? और तुम्हारे भाई साहब को अगर नेकियां कमाने का इतना ही शौक है तो तुम्हारी तो पलट के कभी खबर ना ली, बहन से तो कभी ना पूछा कि किसी चीज की जरूरत है या नहीं, क्यों कमी है तो बताओ। महमूद हमारी परेशानियों के टाइम में ढेरों दफा भाईजान ने हेल्प की है हमारी। महमूद अगर हमारी किस्मत खराब है तो इस... नहीं ये मत कहो ना, जो दिल की बात है वो कहा करो नाहिद। ये क्या बात हुई कि हमारी किस्मत, ये कहो कि मेरी शादी एक बदकिस्मत आदमी से हो गई, बस मेरी वजह से सारा कुछ है। कह दो कि मैं जाहिल हूँ, निखट्टू हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद करके रख दी है, तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं तुम्हारे पल्ले मैंने। नहीं नहीं महमूद मेरा कहने का ये मतलब हरगिज भी नहीं था, मैं तो बस। क्या क्या इतना कह रही थी के अपने गरेबान में झांक के देखा कभी,
चाय तक तो बनानी नहीं आती। मैंने हजार बार कहा है कि मैं तुम्हारे हाथ की बनी चाय नहीं पीऊंगा। जो शांता बना के ले आती हो, मेरी बेटी कहां, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, नेहा से कहो मुझे चाय बना के दे, मैं तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी है। बस वो नेहा भाईजन की तरफ गई है सुबह सुबह। क्यों भाई, किस बात पे गई है भाईजन की तरफ? नहीं, उनके दरबार में हाजिरी देने क्यों गई है? वो तो है भी नहीं यहाँ पे। वो दरअसल वहाँ पे दावत का एहतमाम है ना, तो सारे इंतजाम नेहा खुद करेगी। अरे तो मेरी बेटी उनकी गुलाम है, मेरी बेटी क्यों उस दावत का इंतजाम करेगी? उनकी अपनी बेटी को क्या तकलीफ है, वो क्यों नहीं कर सकती? और वो जो तुम्हारी भाभी, वो जो अपनी भांजी ब्याह के लाई है, उनसे करवाए ना घर के काम। मेरी बेटी नौकर, अभी फोन करो उसको, बुलाओ वापस। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ मैं उनके घर में जाके हंगामा कर दूंगा, फिर बाद में मुझे कुछ ना कहना। महमूद मेरी बात सुने, लेकिन नेहा अगर वहाँ गई है जाके भाईजान और भाभी के घर में काम संभाल रही है, तो इसमें नेहा का ही फायदा, हमारा फायदा, उसके मुस्तकबिल के लिए। भूल जाओ, भूल जाओ, तुम्हारे काम कुछ नहीं आएगा, ना ही तुम्हें कुछ फायदा होगा। ये जो आस लगाए बैठी हो ना, इसको खत्म कर दो। वैसे तो बहुत मोहब्बत है जी, बड़ा प्यार है जी, नेहा मेरी बच्ची, मेरी औलाद, मेरी बेटी। जब बेटा ब्याहने की बारी आई तो क्या हुआ, तुम्हारी भाभी साहिबा ने अपनी भांजी को अपनी बहू बना लिया और तुम मुंह देखती रह गई। बस ये तुम्हारी हैसियत, ये तुम्हारी औकात। महमूद एक बेटा तो नहीं है ना भाईजन का, माशाल्लाह तीन तीन बेटे हैं उनके। अरे मेरी तरफ से तीन क्या, 300 हो, मेरा क्या लेना देना है उनसे भाई, मेरा कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है खामा खामे। और तुम्हारी बड़ी नजर है अपने भाई के बेटों पे, अपने बेटे पे नजर रखो ना, कमबख्त अभी तक सो रहा है, दिन देखो धूप चढ़ गई है, अभी तक आराम फरमा रहे। दुकान उसके बाप ने जाके खोलनी है, किसने खोलनी है? कारोबार नहीं करेगा घर कैसे चलेगा? नहीं, मेरे ऊपर ही सारा जोर है, उसको जाके उठाओ, मेरा ही दिमाग खराब है, नहीं मैं पागल हूँ, मैं खपती हूँ। अच्छा महमूद, आप मैं जाके हमजा को उठाती हूँ, आप छोड़ तो ना करें ना, मैं उठाती हूँ। चीखे ना तो क्या करें, चीखे ना। शुमाइला बेटा कैसी हो? अम्मी आप मेरी खैर पूछना छोड़ें, ये बताएं कि सुबह से आप और मरियम यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे, घर में क्या कर रहे हैं? मैंने मरियम को कहा भी था कि सुबह सुबह यहाँ पे आ जाए, ताकि हर काम में वो आगे आगे रह सके। अरे बेटा तुम तो जानती हो ना अपनी बहन मरियम को, उसका कब घर के कामों में दिल लगता है। वो मोहतरमा तो सुबह से सजने सवरने में मसरूफ है। तो फिर उससे कह कि वो सजती सवरती रहे, और यहाँ पे वो जो नेहा सुबह से आई बैठी है, उम्र के आगे पीछे घूम रही है, और अपने आप को मसरूफ जाहिर करा के ये दिखाना चाह रही है जैसे सारा घर उसी ने संभाला है। आप मरियम से कहें कि सब कुछ छोड़े और फौरन यहाँ पहुँचे, उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है, वरना हम हाथ मलते रह जाएंगे। अम्मी खुदा खारत करे इस नाहिद को, कैसे कैसे गुर सिखा रखे ना अपनी बेटी को। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं और मरियम अभी आते हैं, और इस नेहा की बच्ची को तो मैं आकर देखती हूँ। ओके मरियम जरा जल्दी कर लो, वह नेहा सुबह से आई बैठी है। क्या है अम्मी, आप मुझे उस नेहा से डराने के बजाय ना खाला से साफ साफ बात कर लें, आखिर कब तक हम उनका इंतजार करते रहेंगे। बस खाला से बात करें, उनसे कहें कि वो खालू से बात करके ना उम्र के लिए मेरा हाथ मांगने आए, फिर देखती हूँ मैं कैसे वो नेहा आगे पीछे होती है उम्र के। तुम फिक्र मत करो, आज आ जाने दो बच्चों को, मैं भी दो टोक बात करके ही रहूंगी। मगर बेटा अभी जल्दी कर ले, वहाँ शुमाल अला गुस्सा हुए बैठी है। आप तो रेडी हो जाएं। हाँ मैं चेंज करके आती हूँ, जल्दी करो। अच्छी लग रही है। लुबना मैंने ना फूड ट्राइफल और सैलड बना के फ्रिज में रख दिया, प्लीज जल्दी से बिरयानी की चीजें निकाल दो, मैं बस कुछ देर में खाना बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है। अरे भाई वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच, कसम से बहुत दिल कर रहा था तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का। कोई जरूरत नहीं है इसमें मेरा और अमशा का नाम लिखा हुआ। रियली कहाँ लिखा हुआ तुम्हारा नाम? वैसे मुझे नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम ना लिखा हो ऐसा हो नहीं सकता। स्नेहा बहुत जल्द आप नेहा से नेहा उमर बनने वाली है। हो गई तुम्हारी फजूल बातें शुरू। ये फजूल बातें भाई, ये तो कमाल हो गया, क्योंकि मुझे तो मिल गई छुट्टी। बाहर लड़कियों की एक लाइन लगी हुई है, उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। खबरदार जो किसी और लड़की के बारे में सोचा भी। फैमिली वाला घर इतने करीब, नहीं डिस्टेंस मेंटेन। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं था, आना चाहो तो नॉट अ प्रॉब्लम। शदीद कड़वी कॉफी है, अगर इसके अंदर अपनी उंगली मिला तो मीठी हो सकती है। हद हो गई है। अम्मी नाश्ता दे दें, फिर जाना भी है दुकान पे।
अस्सलाम वालेकुम। मुफ्त की रोटियां हैं जी, तोड़िए तोड़िए। आंख खुल गई, सुबह हो गई आपकी, अब जरा होश में आ जाएं तो दुकान पर भी तशरीफ ले जाएं, कुछ उसका हाल देख लें। बहुत सारे मरीज वहां इंतजार कर रहे होंगे, हमजा साहब कब उठें, कब तशरीफ लाएं, दुकान खोलें, हमें दवा दें, तो शायद हमें भी कुछ सेहत नसीब हो जाए। अबू, पूरे शहर में सिर्फ एक आपका मेडिकल स्टोर नहीं है, और वैसे भी जितना सामान आप डलवाते हैं ना, शायद ही किसी मरीज के पास दवाई आती हो आपकी। आपके आसर पे रहे ना तो बाकी मरीज सारे मर जाएंगे। सुन रही हो, गज भर लंबी जबानें हो गई हैं इस घर में सबकी, एक बंदे की नहीं सबकी। कुछ शर्म कर लो यार, अपने मामू के बेटों की तरफ देखो, तीनों एक से बढ़ के एक ओहदे पे फायज हैं, मगर मजाल है बाप के सामने नजर उठा के बात करें, सर झुका के खड़े रहते। बाप ने ना उनके लिए किया भी बहुत कुछ है, जब सोने का नवाला लेके पैदा होते हैं ना तो मुंह नहीं खुलता। एक चीज कही थी अमेरिका भेज दें, वो तो भेजा नहीं गया, जाता ना तो उन सबसे कामयाब होता मैं। कहाँ अमेरिका, कहाँ मेडिकल स्टोर। जी जी, मेरे पास तो पैसे फालतू के पड़े हुए हैं ना, मैं इन पे लुटा दूं। और अमेरिका वाले आपको पता नहीं इनका किस कदर शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, कब आप वहां आए और कब वो आपके हवाले करें। यहाँ दुकान संभाली नहीं जाती, चले अमरीका नौकरियां करने। रहने दीजिए ना, अब खाने तो दे, खाओ बेटा। पेट भर गया मेरा इनकी बातों से। जाने दो, रहने दो, भूखा एक दिन भूखा रहेगा ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। जाओ जाओ पीछे, लाडला भूखा ही ना रह जाए कहीं। ओफो, आज तो इतनी गर्मी थी, बिल्कुल पिघल ही गए हम लोग तो जैसे तोफा। हटो। सर शुमाइला, तूने फोन पर ऐसा दिल डरा दिया, डबल किराया देकर आई हूँ मैं तेरे घर का। अल्लाह हारत करे उस मनुष्य रक्षे वाले को जो जरा से रास्ते के इतने सारे पैसे बटोर लिए। अम्मी आपको पैसों की पड़ी है, जब उम्र हाथ से निकल जाएगा ना तो गिनती रहना अपने पैसे। अरे क्या बोल रही है, ऐसे कैसे निकल जाएगा? बच्चों ने जबान दी है, मुझे वादा किया मुझसे, ऐसे निकल जाएगा? अम्मी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, खाला के वादे को फॉर ग्रांटेड ना ले। आप खालू को नहीं जानती, वो खाला के दीवाने ही सही, लेकिन नाहिद फूफो के आगे ना उन्हें कोई और नजर नहीं आता। और वो नेहा, वो हाथ से कोई मौका नहीं जाने देती उमर और खाला और खालू का दिल जीतने का। इन्हें हमारी कोई बात क्यों समझ में आएगी? हाँ खाला ने सालों से आश्रय दे रही है और ये है कि उनके इंतजार में बैठी है। अंधा एतमाद है ना आपको अपनी बहना पर। अरे अब बस भी करो, तुम दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। ऐसा भी गलत एतमाद नहीं है मुझे बच्चों की बातों पर। अब देखो शुमाला को लेकर नहीं आई क्या वो काशिफ के लिए? कैसे मेरी बेटी राज कर रही है इस घर में? कह तो रही हूँ आज आ जाने दो बच्चों को, मैं साफ साफ बात करती हूँ। देखना बहुत जल्द मेरी दूसरी बेटी भी इस बड़े से बंगले की मालकन होगी। इस नेहा को तो बच्चों कैसे चलता करती है। तंग तो नहीं किया भाइयों ने? सारे अरेंजमेंट्स किए आपके लिए। सफर कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। आप लोगों को पता है आप लोगों को इतना मिस किया हम सब ने, आपके बगैर दिल ही नहीं लगा। वो सबसे ज्यादा मैंने मिस किया। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप लोगों को पता है आप लोगों की गैर मौजूदगी में एक दिन भी कॉलेज मिस नहीं किया इसने, रोज गई। अच्छा इसका मतलब कहीं वो तो नहीं जो मैं समझ रहा हूँ, यानी एक दिन भी नहीं गई कॉलेज? हाँ बाबा गई थी ना। मामा मेरा एक दिन भी आपके बिना दिल नहीं लगा। आपको पता है आपके बगैर ये घर ना घर नहीं है। वैसे सही बात है, शुमाला तो आपकी बहू कम और बेटी ज्यादा लगती है, इसने तो एक ही रट लगा रखी थी, खाला के बगैर घर सूना लग रहा है, खाला के बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा। शुमाला बेटी से कम थोड़ी है। और खाला मैंने जो आपको इतना मिस किया वो अरे भाई तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों ही मेरी बेटियां। वाह मजा आ गया आज तुम्हारे हाथ की चाय, बल्कि सच मानो तो मैंने तुम्हारे हाथ की चाय बहुत मिस की वहां पर।
मामा आप ये ट्राई कीजिए ना, मरियम ने अपने हाथों से नई रेसिपी बनाई है और सुबह से मेरे पीछे लगी हुई थी कि पता नहीं आपको पसंद आएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम सलाम। भाई तुम्हारी बहन को तो मजाल है अपने शौहर के पांव की तकलीफ का जरा सा भी एहसास हो, बस भाई से मिलने के लिए जाना। अरे मैंने कहा भी इसे, मैंने कहा भाई को तुम्हारी इतनी याद आ रही होगी तो खुद मिलने आ जाएगा। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे यार क्यों चला रहे हो इतना? क्या हुआ क्या पांव में तुम्हारे? डॉक्टर को दिखाया किसी? जी भाईजान दिखाया, परेशानी की कोई बात नहीं है। खैर आप बताएं सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा। सॉरी बाबा मैं इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आज सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो एक बहुत अच्छी खबर थी, मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। दरअसल मेरी प्रमोशन हो गई है, आई एम नाउ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नहीं यार बेटा, बस एक चीज याद रखो, अपनी जिम्मेदारियां बड़ी ईमानदारी से निभाना, बड़े ओहदे की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश भी होती है। जी बाबा मैं भी यही सोचता हूँ कि जो भी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं उनको बखूबी निभाऊं। उमर बेटा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मैं बना देती हूँ सबके लिए चाय। क्यों? अब अपने घर में काम करने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी होगी। ये घर ये किचन मेरा है, यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना उसके लिए मैं तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। एनीवेज बहुत बहुत मुबारक। डिपार्टमेंट हेड की रेजिग्नेशन मिल गई है तुम्हें। थैंक यू। हाजरा भी खाने की तैयारी मुकम्मल है, थोड़ी देर में लगाना है। जी बड़ी दुल्हन, नेहा बीबी ने सब कुछ तैयार कर दिया है, सब कुछ सेट कर दिया उन्होंने, बस सिर्फ टेबल पे लगाना बाकी है। अच्छा बस बस, नेहा के साथ गुण गाने की जरूरत नहीं, इस घर की मालकिन मैं, आप वो करेंगी जो मैं आपको कहूंगी, नेहा नहीं। जी देख लिया तुमने, इसलिए कह रही थी मैं जल्दी आ जाऊं। अब जाओ, उमर को देखो कहां है, तुम्हें उसके आस पास होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपी ये जो नेहा है ना, कुछ जरूरत से ज्यादा ही चला के उमर को मुझसे छीनना चाहती है वो, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ, आप बेफिक्र रहें। तो ये बात थी जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, मुझे पता लग गया था कि कोई बात तो है क्योंकि इतनी बड़ी खबर तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। रियली तुम जानती थी, मतलब मैं खुद बहुत एक्साइटेड था सबके साथ ये न्यूज शेयर करूं, लेकिन मामा बाबा का इंतजार कर रहा था ताकि सब इकट्ठे हों जब ये खुशखबरी सुना। तो बहुत अच्छी बात है उमर, सबकी खुशी को आज तुमने दुबाला कर दिया। एनीवेज बहुत बहुत मुबारक। डिपार्टमेंट हेड की रेजिग्नेशन मिल गई है तुम्हें। थैंक यू। पार्टनर में तरक्की तो हो गई, सोच रहा हूँ कि अपने आप के साथ आपका नाम जोड़कर इस डिपार्टमेंट में भी तरक्की कर। ये सारे सेट तुम्हारे भाई ने मुझे लेके दी, मैं मना भी करती रही हूँ कि भाई मेरे पास तो पहले बहुत सारे सेट पड़े हैं, लेकिन वो मेरे सुनते कहाँ हैं? बच्चों ये तो बहुत खूबसूरत है और बहुत भारी भी, काफी महंगा होगा, सोने के दाम तो आजकल आसमान से बातें कर रहे हैं। हाँ लेकिन तुम जानती तुम्हारे भाई को इन बातों से भला क्या, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी
क्या हुआ मरियम? मुझे जरा आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखा सर, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। अरे एक मिनट ही तो आए। अरे सुन लो ना, क्या कह रही जी? क्या बात है मरियम, आप यहाँ बैठ के अपनी बहन की शॉपिंग देख रही हो, वहां मैं नेहा और उमर को रोमांस देख कर आ रही हूँ। अरे कुछ अंदाजा भी है आपको नेहा क्या खेल खेल रही है उमर के साथ? अरे मम्मा वो इस चक्कर में कि उसकी शादी उमर से हो जाए। अरे ऐसा क्या देख लिया, क्या सुन लिया तुमने? फायदा क्या, जो भी हो। अरे सब सब बात क्यों नहीं करती? कहे ना कि उमर का रिश्ता लेकर हमारे घर है। मम्मा मैं चाहती हूँ कि मेरे और उमर के रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाए। प्लीज मेरी बात को समझ रही है ना नेहा? ना नेहा उमर को ले उड़ेगी, मैं बता रही हूँ, प्लीज कुछ करो। अरे तुम परेशान मत हो, मैं बच्चों से बात करती हूँ, उनसे इसरार करती हूँ कि भाई साहब को लेके हमारे घर है, तुम्हारा रिश्ता मांगना, समझी? तुम जो सोचा था कि मामा और बाबा से बात करी, उससे पहले तुम्हारी रजामंदी जानना बहुत जरूरी था। ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या तुम मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ना भी चाहती हो या नहीं। सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहूंगी। मैं थक रहा हूं, उठ जाओ। कौन सी लड़की ऐसे करती है, पहले अंगूठी पहनती है फिर हाँ बोलती है? मैं मूड पे करती हूँ। हाँ जब से मरियम तुमसे बात करके गई है तुम्हारा ध्यान कहीं और महसूस हो रहा है। ऐसी क्या बात कही है उसने, अचानक आई और यूं ही पलट गई? सब खैर तो है ना? अरे नहीं नहीं बच्चों, वो आप तो जानती है ना मरियम को, बहुत ही मासूम है मेरी बच्ची। उमर ने कोई बात कर ली होगी तो घबरा गई, दौड़ी चली आई माँ के पास। मैंने भी यही समझाया कि भाई बात भी तय हो जाएगी तुम दोनों की, पहले आपस में कजन्स भी तो हो, हंसो खेलो साथ, हम बड़े हैं ना फैसले करने के लिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम दोनों की रस्म अदा कर देंगे। सही कहा ना? तो मगर वही आप तो जानती हैं, बहुत झिझक है मेरी बच्ची में, बहुत मासूम है। मैंने उसे कहा कि जल्दी तुम दोनों की रस्म अदा कर देंगे ताकि सबको पता चल जाए तुम दोनों के रिश्ते के बारे में। अरे भाभी आप मुझे बता देती ना, मैं बना देती सबके लिए चाय। क्यों? अब अपने घर में काम करने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी होगी। ये घर, ये किचन मेरा है, यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना उसके लिए मैं तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ इसलिए कह रही थी कि मामू मामानी बहुत अरसे बाद आए तो आप उनके साथ कुछ वक्त गुजार लो। मैं सब जानती हूँ, ये सारी तुम्हारी खाला के आगे नंबर बढ़ाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, अब आई हो तो ये चाय लेके जाओ खाला के कमरे में, जाओ। तुम खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? आओ चाय बनाओ जल्दी। अरे ये तो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मेरे उम्र के लिए मरियम दुल्हन बनकर इस घर में आए।
तो बच्चों आप भाई साहब से बात क्यों नहीं करती? एक बार आप दोनों मेरे घर आकर सारी बातें तय करें। मैं तो कहती हूँ हम इन दोनों का निकाह कर देते हैं। मेरी जिंदगी में शुमैल और मरियम के अलावा और है ही कौन? आप तो जानती हैं ना, एहसान के चले जाने के बाद मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। शुमैला तो खैर से काशिफ के साथ बहुत खुश है। अल्लाह नजरे बद से बचाए, आपके घर में ऐसे रच बस गई है, आपकी बहू कम बेटी ज़्यादा लगती है। खैर से मरियम और उमर भी एक हो जाएं तो मैं सुकून से आंखें बंद कर लूं। राबिया कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, परेशान नहीं हो, मैं और तुम्हारे भाई बहुत जल्द उमर के लिए मरियम का हाथ मांगने आएंगे। राबिया मैंने तुम्हें जबान दी है, क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन की जबान पर एतबार नहीं? इस घर में मरियम ही उमर की दुल्हन बनकर आएगी। आपकी जबान पे 100% एतबार है मुझे बच्चो, बस अल्लाह मुझे जल्दी ये दिन दिखाए। क्यों नहीं। और बच्चो और क्या शॉपिंग की आपने? सब ठीक रहा? हाँ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नेहा किसी ने कहा है कुछ तुमसे क्या? नेहा मेरी बात तो सुनो। नेहा नेहा हुआ क्या है? अगर कोई पैसे वैसे मांगने का इरादा है तो भूल जाओ, पैसा कोई नहीं है मेरे पास, इसलिए बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आज रात को जरा आप घर पर ही रहिएगा। क्यों, मेरी दावत का एहतमाम किया है घर पे? नहीं, मैंने भाईजान वगैरह को खाने पे बुलाया है रात को, अब मैंने सोचा वो जो उम्र की दावत है वो भी हो जाएगी। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोचने समझने में लग गए, और मुझे अब भी बताने की क्या जरूरत थी? छुपाए रखते मुझसे, जब आ जाते तो मैं उनके सर पे खड़ा होके उन्हें पंखा झल देता। और ये जो कुछ तुम कर रही हो ना, जिस लालच में कर रही हो वो होने का नहीं है। ये भूल जाओ कि तुम्हारा भाई अपने बेटे का रिश्ता लेके यहां आएगा। बेटा उसका बन गया बहुत बड़ा अफसर, मिजाज तो पहले ही आसमानों पे था, अब खुदा मालूम किस तरह का हो गया होगा, तो ऐसा नहीं होने का जैसा तुम सोच रही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उमर बिल्कुल भाईजन के मिजाज वाला है, उस पे रत्ती बराबर भी गुरूर नहीं है। मेरा क्या लेना देना उन लोगों से, मैं तो मर के भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करने दूं। कुछ लोग हैं, उस आदमी की वजह से हमेशा मुझे नुकसान हुआ, वो तो दोगला आदमी है, अपना कारोबार देखो कैसे बढ़ाए चला जा रहा है, बढ़ाए चला जा रहा है। और मैंने जिंदगी में जब जाके उससे कोई भी कारोबारी मशवरा मांगा, मुझे हमेशा गलत मशवरा दिया ताकि मुझे नुकसान हो जानबूझ के। महमूद भाईजन ने तो हमेशा चाहा कि हमारा भी अपना कारोबार हो, लेकिन अगर हमारी किस्मत में नुकसान है तो इसमें उनका क्या कसूर? और भाईजन ने ढेरों दफा अपनी जेब से हमारा नुकसान भी भरा है, ये तो याद है ना। मेरे बाप के सर पे कोई एहसान नहीं किया, जिस घर में रहते हैं ना उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। मैं चाहूं तो कोर्ट कचहरी में घसीट लूं ना, मगर मैं उसकी तरह का घटिया नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करता। और तुम्हें अपने बेटे की कोई फिक्र है? उसको कुछ समझाओ, कोई काम कारोबार करेगा या सारी जिंदगी बाप के पैसे पे ही ऐश करता रहेगा? कर तो रहा है, आपके साथ दुकान चला रहे, और क्या करे बेचारा। ओ बेहोश औरत, अब माएं अपने बच्चों पे नजर रखती हैं, खास तौर पे बेटों पे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कहां जा रहा है कहां से आ रहा है, पता नहीं मेरी समझ से बाहर है। मुझे किस तरह की बीवी मिली भाई, अपने घर के बजाय भाई के घर की ज्यादा फिक्र रहती है तुम्हें। अब जाओ, पता है बुला लिया है तुमने उन्हें, जाओ अब एहतमाम करो।
बुलाने के बाद बता रही है। तो इंसान मशवरा ही कर लेता है कि मैं बुला लूं। नहीं नहीं, मैंने बुला लिया है। मैं और तुम्हारे भाई बहुत जल्द उमर के लिए मरियम का हाथ मांगने आएंगे। राबिया, मैंने तुम्हें जबान दी है, क्या तुम्हें अपनी बड़ी बहन की जबान पर एतबार नहीं? इस घर में मरियम ही उमर की दुल्हन बनकर आएगी। मामा आपकी फेवरेट गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू बेटा, खुश रहो। अरे थकावट तो उतर ही नहीं रही। तो आप आराम करें ना, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। जीती रहो। आप वो नेहा दिखाई नहीं दे रही सुबह से, सो रही है क्या? नेहा रात से यहाँ पर थी, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। बताया तो मुझे भी किसी ने नहीं, वो असल में मैंने उमर और नेहा को देर रात टेरेस पे बात करते हुए देखा था, तो मुझे लगा शायद स्टे कर रही हो। वैसे माशाल्लाह से काफी दोस्ती है ना उमर और नेहा में, जब देखो नेहा उमर के इर्द गिर्द नजर आती है। मरियम भी बता रही थी कि दोनों काफी देर तक इकट्ठे बैठे थे, और देखें एक हमारी मरियम है, कितना रिजर्व रहती है ना, हालांकि उसकी और उमर की तो बात भी पक्की होने वाली है। असल में ये सारी बात माँ की तरबियत की होती है। राबिया ने तुम लोगों को जो कुछ सिखाया तुम लोग वही कर रहे हैं। और नाहिद ने तो नेहा को खुला छोड़ रखा है। अच्छा छोड़े ना ये सब बातें मामा, आप अपनी कॉफी एंजॉय करें। आप मुझे बताएं कैसा रहा आपका उम्रा? तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई दिखाऊंगी। तुम्हें यकीन नहीं है मेरी मोहब्बत पे? हाँ नहीं नहीं, फिर तुम मुझे पहचान ही नहीं हो सही से। मैं उन लड़कों में से थोड़ी हूँ जो बीच रास्ते में छोड़ दे। अरे अच्छा, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। जी कोई काम है? तुम किसी काम के होते तो इस तरह तुम्हारे बाप से हर वक्त बातें ना सुनने को मिलती। तुमने क्या तमाशा लगा रखा? फिर चाहते क्या अपनी जिंदगी से? अम्मी अब्बू से कहें मुझसे ना उम्मीदें लगाना छोड़ दे। आज वो किसी अच्छे होते पे होते ना तो मुझे धक्के ना खाने पड़े होते। अच्छा बस, अपनी नाकामी का जिम्मेदार अपने बाप को ठहराना छोड़ दो। तुमने देखा नहीं वो उमर किस तरह अपने बलबूते पे तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है? हैं, कौन से अपने बलबूते पे? अम्मी मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उमर की तरक्की ना अपने बलबूते भी नहीं है, ये सब कुछ मामू की सिफारिश की वजह से है। कहाँ भी था मुझे अमरीका भिजवा दे, अमरीका भिजवाया होता ना तो उमर से ज्यादा कामयाब होता मैं। पर अम्मी ये मुल्क 70 साल में खुद तरक्की नहीं कर सका, आप चाह रही है कि मैं 25 साल में खुद से तरक्की कर लूँ? वाह। और अम्मी माजरत के साथ अब्बू से कहना वो खुद तो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर कभी पूरा नहीं उतरे, और मुझसे चाह रहे हैं कि मैं उनकी उम्मीदें पूरी करूँ। वाह। नहीं ये लड़का क्या चाहता है, अपनी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। काम का ना काज का। वैसे ऐसी कोई गलत बात भी नहीं सोच रही है ना ही, उमर है तो काबिल, इकबाल के सारे बेटे एक से बढ़कर एक हैं, अगर इनके घर में नेहा की बात बन जाए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या पता नेहा के चलते मेरे भी दिन फिर जाए। लेकिन यह काम नाहिद पर तो नहीं छोड़ा जा सकता, इसने जिंदगी में कौन सा कारनामा किया है जो अब करेगी, मुझे कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। यह रिश्ता एक ही बुनियाद पे हो सकता है, बट्टे सट्टे की बुनियाद। सीधी सी बात है, मेरे बेटे की शादी उनकी बेटी से, उनके बेटे की शादी मेरी बेटी से, ताकि हम बराबरी की बुनियाद पर बात कर सकें।
तुम अपने बाबा को इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या मतलब मैं क्यों इनकार करूंगा? क्योंकि बेटा मैंने तुम्हारे लिए मरियम को पसंद किया है।